संदेश में इंदौर की जमकर प्रशंसा की, जहां सीवरेज नेटवर्क और सीवरेज वाटर के बेहतर प्रबंधन के लिए इंदौर वाटर प्लस से सम्मानित है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के दौरान अपने उद्बोधन में इंदौर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर शहर के लगातार चौथी बार देश में सबसे स्वच्छ शहर बना और शहर ODF डबल प्लस प्रमाण पत्र पाने में सफल रहा। साथ ही साथ शहर में सीवरेज नेटवर्क और सीवरेज वाटर के बेहतर प्रबंधन के लिए इंदौर नगर निगम को वाटर प्लस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में सर्वांगीण विकास हो रहा है। अपने नेक इरादे से यूपी सरकार ने वो सब कर दिखाया जो बीते कई दशकों में नहीं हो पाया। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त इलाज का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर बेघरों को घर दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दिया है। 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण के साथ घर घर बिजली योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने में यूपी नंबर वन बना। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में पहुंचा है। कोरोना काल खंड में 56,000 करोड़ के विदेशी निवेश का प्रस्ताव और ODOP योजना में 25 लाख लोगों को रोजगार सिर्फ योगी सरकार में ही संभव हो सका। पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की आई हैं, वो अद्भुत है। यूपी सरकार की साफ नीयत और सही विकास से यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। योगी सरकार के इरादे ने काम अनेक। सुबह के लिए उड़ चला गरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान कैसी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें। घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-239-0031 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिक और ग्रामोदय मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री गुरु रुद्र कुमार ने जिला स्तरीय मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में गुरु रुद्र कुमार मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने सलामी दी। इस अवसर पर शांति के प्रतीक सफेद कबूतर एवं गुब्बारे छोड़े गए। तत्पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जनता के नाम संदेश का पाठन किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी और शहीद परिवारों का सम्मान भी किया गया।
पावन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश को कई सारी सौगातें दी हैं, जिनमें कुछ नए जिले भी घोषणा की है। साथ ही साथ ममता मिनी माता जी के नाम से पूरे सभी जिलों में प्रदान करने के लिए घोषणा की है। निरंतर जब से सरकार बनी है तब से किसानों के हित में, आम जनता के हित में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपके माध्यम से मैं सभी को बताना भी चाहूँगा कि 2023 के अंत तक प्रत्येक घरों में, तो मैंने आज मेरे स्पीच में भी था, एनटीपीसी सीपत में 15 अगस्त को देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस कोविड 19 के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह नगर परिसर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल परिसर में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि घनश्याम प्रजापति, समूह महाप्रबंधन और समेत कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। और आपको बता दें कि ध्वजारोहण किया गया, ध्वजारोहण के उपरांत सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया और तत्पश्चात मुख्य अतिथि प्रजापति द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के परेड सलामी ली गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में प्रदेशवासियों को ऐतिहासिक सौगातें दी है, जिसमें विकेंद्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले महोबा, मानपुर, सक्ति, सारगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेंद्रगढ़ के गठन की घोषणा की गई है। साथ ही 18 नई तहसीलों के गठन की भी घोषणा की गई। कांकेर जिले के नरहर देव हाई स्कूल मैदान में भी 75वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महिला और बाल विकास मंत्री और कांकेर जिले की प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया ने ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। अपने उद्बोधन में प्रभारी मंत्री ने बीते 2.5 सालों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों का बेवरा भी जनमानस के सामने रखा। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा प्रदेशवासियों को और पूरे छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज हम लोग पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास से 15 अगस्त का जो त्यौहार है वो मना रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ की जनता भी, जब से हमारी सरकार आई है, आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार आई है, हमेशा किसानों के और गरीबों के लिए जो सोच लेके इस छत्तीसगढ़ को। दुमका राज्यपाल रमेश बैस ने रविवार को झारखंड की उपराजधानी दुमका में के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में झंडारोहण किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड राज्य के खुशहाली के लिए तथा राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए हमें एकजुट होकर सच्चे मन से प्रयास करने का संकल्प लेना होगा। राज्यपाल बैस ने कहा कि राजहित में हमें अपने सामाजिक राजनीतिक मतभेद भुलाकर झारखंड राज्य के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करना होगा ताकि हर चेहरे पर मुस्कान लाने में हम सफल हो सके। भगवान
खबर जीरकपुर से है, जहां पुलिस के नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन एसपी रवजोत कौर ग्रेवाल आईपीएस ने किया। इस मौके पर डीएसपी अमरोज सिंह, जीरकपुर थाना प्रभारी ओंकार सिंह बराड़ सहित समस्त थाना टीम मौजूद रही। पंचकुला में किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली, वहीं सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों संग किसान यात्रा में शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसानों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसानों द्वारा में आए विधानसभा अध्यक्ष महंत अपने निर्धारित कार्यक्रम में आधा घंटा विलंब से पहुंचे। महंत ने सबसे पहले डीपीएस स्कूल में वृक्षारोपण कर मां सरस्वती की प्रतिमा में माल्यार्पण किया। साथ ही साथ उन्होंने चिरमिरी के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 1.5 करोड़ की लागत के बहुप्रतीक्षित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भवन का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने लाखों रुपए की लागत से तहसील भवन चिरमिरी निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया गया। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां जिले के प्रभारी और प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पांडुरा में नवीन थाना भवन का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब आपकी समस्या का हल आपके घर योजना जिले में प्रारंभ की जाएगी। वहीं इस अवसर पर जिले के जिला कलेक्ट्रेट सौरभ सुमन, जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल सहित चौधरी चंद्र भान, कांग्रेस विधायक नीलेश उइके और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। गोंडा जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन और सरगम म्यूजिक ग्रुप द्वारा एक शाम शहीदों के नाम देशभक्ति गीतों से भरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि आजादी के पर्व 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आयोजित इस सुरमई और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी के थार महानदी के अपार गीत से शुरुआत की गई। देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति ने हमारे महान अमर शहीदों की याद ताजा करी। खबर बड़ौदा बाजार से है, जहां 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और जिला प्रभारी उमेश पटेल ने जिला मुख्यालय के बहुद्देशीय चक्र प्राणी स्कूल प्रांगण में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी थी। साथ ही मुख्यमंत्री का प्रदेश का नाम संदेश का वाचन भी किया था। उन्होंने कहा था कि रायगढ़ जिला को सारगढ़ भिलाईगढ़ जिला अलग बनाकर क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगी। पावन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश को
कैसे सौगातें दी हैं, इनमें कुछ नए जिले भी बनने की घोषणा की है। साथ ही साथ महत्व में मिनी माता जी के नाम से पूरे सभी जिलों में उदाहरण करने की घोषणा की है। निरंतर जब से सरकार बनी है तब से किसानों के हित में, आम जनता के हित में, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपके माध्यम से मैं सभी को बताना भी चाहूँगा कि 2023 के अंत तक प्रत्येक घरों में, तो मैंने आज मेरे स्पीच में भी था, मुफ्त में नल कनेक्शन दिया जाएगा। बिलासपुर कलेक्ट्रेट और नए और पुराने कंपोजिट बिल्डिंग ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्र ने ध्वजारोहण किया था। इस अवसर पर अधिकारी और कर्मचारी द्वारा राष्ट्रगान गाया गया था। इसके पश्चात कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर कलेक्टर ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर अतिरिक्त कलेक्टर BS उइके सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। खबर कबीरधाम से है, जहां करवधा ने कांग्रेस नेता और नगर पालिका पार्षद अशोक सिंह के फेसबुक आईडी से अश्लील तस्वीर वायरल हो रही है। वहीं कांग्रेस नेता और पार्षद अशोक सिंह का कहना है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे फेसबुक चलाना नहीं आता। कांग्रेस नेता और पार्षद की आईडी से फोटो वायरल हो रही है और अश्लील फोटो वायरल हो रही है। और कांग्रेस नेता और पार्षद का कहना है कि उनको फेसबुक चलाना नहीं आता। और आज सावन का आखिरी सोमवार है, इसी को लेकर आज मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों का तांता लगा हुआ है, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आज सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। नुराधा नक्षत्र ब्रह्मा योग याइजे योग का संयोग बन रहा है। सावन का अंतिम सोमवार आज है और इसी को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है मंदिरों में। आज सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। आज सावन का आखिरी सोमवार है और इसी के अवसर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दराज से लोग मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। आज सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं जहां पूजा अर्चना करते हुए लोग दिख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं लोग। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं जहां दूर दराज से लोग आ रहे हैं और भक्तों का तांता लगा हुआ है यहां पर, और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। सावन का अंतिम सोमवार आज है और इसको लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ एकजुट हो रही है।
और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। जुबाए के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है। मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कमिश्नर कार्यालय और निवास में सभायुक्त डॉक्टर संजय अंगल ने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात पंचायत और समाज कल्याण विभाग के कलापथक दल और अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रगीत गाया गया। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त कोरबा जिला CSEB फुटबॉल मैदान में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि और प्रभारी मंत्री प्रेम साय टेका ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उसके बाद मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री द्वारा जनता के नाम प्रेषित संदेश का वाचन और कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर पुलिस इंजीनियर स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया। भविष्य की कामना करें। पवित्रता से पालन करती हुई और सभी लोगों से अपील की गई डरने के लिए जो गाइडलाइन उसका पूरा पालन करें और सबको संभल के रहना है, और ताकि जो तीसरी लहर भी आए तो उसे भी सामना करें। 75वां स्वतंत्रता दिवस था, देशवासियों को प्रदेशवासियों क्या मैसेज देना चाहिए? प्रदेशवासियों को हमने कहा कि हम लोग ने चाहे वनांचल के क्षेत्र में रहने वाले हों, चाहे हमारे जो कुपोषण के शिकार हों, उन सबको सुपोषण करने का भी व्यवस्था, और जो हमारी नई योजनाएं हैं उनको समय सीमा में पूरा करना, कोविड से जो गाइडलाइन का पालन करते हुए उसे लड़ना, और प्रशासनिक इकाइयों को और सुदृढ़ करने के लिए तहसीलों की जो घोषणा हुई है सौगात दिया गया है, और जो 4 नए जिले की जो घोषणा की गई है प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने सर्वदेश दास स्कूल मैदान में ध्वजारोहण करते हुए जानकारी दी, और इस दौरान 4 नए जिले मोहल्ला मानपुर शक्ति सारगढ़ बिलाई और मनेंद्रगढ़ के गठन की घोषणा की। और आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां आज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी गई है। और